हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। ये एडमिट कार्ड के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर मैं पॉइंट 6 की बात करता हूँ, कहता है कि एडमिट कार्ड में 4 पेजेस हैं और आपको 4 पेजेस लाने हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, अगर आपने जब फॉर्म भरा था उस समय अगर आपके पास आधार है, आपने अप्लाई किया है और आपके पास आधार भी है, आप लेके जा रहे हैं, तो आपको डिक्लेरेशन में नॉन आधार की ज़रूरत नहीं है। उनके पास आधार कार्ड है, उनके लिए नॉन आधार के बारे में बातचीत कही गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो ले जाने की जरूरत नहीं है 4 पेज। और पेज 3, एडवाइजरी दिया गया है कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19 के संबंध में, तो ज़रूरत नहीं है। और पेज 2 जो दिया गया है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो मैं आपको सामने यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है। पेज 1 तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, आधार भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो ले जा भी सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो ले जा भी सकते हैं। एडमिट कार्ड ज़रूरी ये भी नहीं कि कलर आपका कलरफुल हो, ब्लैक एंड वाइट भी एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए 11 पॉइंट पर, 11 पॉइंट कहता है आपसे कि आप क्या क्या लेके जाएं। आप देखो, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लीजिए, कोई वाटर लेबल वगैरह ना लगा हो, है ना। और फिर पर्सनल आप हैंड सैनिटाइजर लेके जाइए 50 ml का। ठीक है, और एक सिंपल जो है ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाइए, और इस पर भी कोई लेबल वगैरह नहीं होना चाहिए। जिनके पास आधार कार्ड है नहीं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि आप जो नॉन आधार वाला है फॉर्म उससे भी आप लेके जाइए साथ में, है ना। और लेकिन यहाँ पे आप देखिए, एडमिट कार्ड पर अलोन विद जो है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, डाउनलोड फॉर्म एनटीए वेबसाइट पर आप कर सकते हैं, उसे फिल करके ही लेके आना है। बेसिकली वहाँ पे बताया गया कि आप एक फ़ोटो लगा लीजिए, आप एक थम इम्प्रेस लगा दीजिए। अगर आपके पास नहीं है थम इम्प्रेस तो आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं, कोई नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो सिग्नेचर है वो बेसिकली सिग्नेचर यहाँ पे मत करिएगा आप लोग, वहाँ पर्यवेक्षक होंगे, पर्यवेक्षक के सामने आप लोग क्या करिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया है कि एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाइए। अगर देखिए 2 फोटो लेके जाते हैं बहुत अच्छी बात है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फोटो वही लेके जाइए जो आपके एडमिट कार्ड पर लगा हुआ है। ठीक है, फोटो वो लेके जाइए जो आपके एडमिट कार्ड पर लगाया गया है। ओरिजिनल जो है वैलिड एक आईडी प्रूफ है, जैसे अगर हम बात करें आधार कार्ड हो गया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पॉइंट नंबर 13। ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, और आधार इनरोल नंबर हो गया, है ना, विद फोटो। तो ये इनमें से कोई एक आप उसको लेके जाइए, एक ओरिजिनल लेके जाइए, इनमें से कोई एक ओरिजिनल लेके जाइए ताकि आपकी एंट्री हो जाए। एंट्री होने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे, एंटर करते हुए आप बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ओन जो है ही जहर ओन मास्क, मतलब एक मास्क लीजिएगा 3 लेयर वाला। 3 लेयर का मास्क आता है, 10 रुपये का आता है, 10 या 5 रुपये का आता है आई थिंक, आप उसे ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, अच्छा जैसे आपने एंट्री कर लिया, आपने अपने जो है डेस्कटॉप पर चले गए, बैठ गए, तो वहाँ पर चेक कर लीजिए आपका डेस्कटॉप सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका माउस राइट और लेफ्ट क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी चेयर ठीक है या नहीं, चेयर ठीक है। कभी कभी मिल जाता है ना कि चेयर टूटी हुई मिल जाती है, माउस सही से काम नहीं करता है, डेस्कटॉप काम नहीं करता, हैंग करने लगता है, ये सब पहले ही चेक कर लीजिए। ये कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ के पर्यवेक्षक को आप बताइए उनसे, और बताने के बाद आप उसको डेस्कटॉप को चेंज कर दीजिए, अपनी अपनी सीट को आप लोग जो है चेंज कर दीजिए। ठीक है, दूसरी जगह पर आप बैठ जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर करते समय। पेपर जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना, जैसे आप डेस्कटॉप पर बैठते हैं तो उसके बाद वहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह डालना शुरू कर देते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डालना शुरू कर देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना शुरू कर देते हैं कि पासवर्ड ये ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि अब सब बहुत बच्चे जानते हैं कि पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होता है, फिर भी आपको बता दूं मैं कि वो ओपन होगा नहीं अगर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बिना टाइमिंग का। ठीक है, बिना टाइमिंग का वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे भी तब भी वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, और इससे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वो बंद करना पड़ेगा उस डेस्कटॉप को, फिर दोबारा से सेट करके फिर दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शांति से आप बैठे रहिएगा। वहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको कि आप अपना रोल नंबर डालें, अपना एप्लीकेशन नंबर डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है
कि जब आपको, जैसे आपको उन्होंने बता दिया कि आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद पेपर ओपन होगा, तो पेपर में आपको बता दूं, यहाँ साइड में एक पेपर वन भी लिखा रहता है, साइड में पेपर टू भी लिखा रहता है साथ में। तो अगर आप पेपर टू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वन क्वेश्चन नंबर वन ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर साइड लेफ्ट साइड में पेपर वन पर क्लिक करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर वन पेपर फर्स्ट का दिखना शुरू हो जाएगा आपको। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सोशल वर्क अगर सबसे पहले पेपर करते हैं, क्योंकि अच्छा, मैं खासकर उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जो इन्होंने सोशल वर्क पर ज़्यादा डीप में अध्ययन किया है, पढ़ाई किया है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लिया है, उनके लिए कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे समय आपकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, फिर आप जाके वो जो है पेपर सेकेंड पर भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन जैसे होंगे आपके ना यहाँ पे, उसके बाद ये आपको खुद बोलेगा कि आप पेपर फर्स्ट पे जाइए, आप पेपर फर्स्ट पे जाइएगा। ठीक है, पेपर में जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आपका ग्रीन होगा, ग्रीन होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे वो सेव विथ लगा होता है, सेव के साथ नेक्स्ट हो जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आपका सेव के साथ नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और यदि आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर रेड होगा, तो उसे बाद में आप उस क्वेश्चन को कैरी कर सकते हैं, बाद में उसको देख सकते हैं। अगर अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि क्वेश्चन मुझे आता है, बट अभी मेरा जो है अर्थ चेतन मन जो है इसमें एक्टिव नहीं है, बाद में मैं थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इसकी प्रकार आगे बढ़िए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को आप अटेंड कर लीजिए अंत में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे आप सभी को। सोशल वर्क में मैंने पहले भी सारी चीज़ें पढ़ा रखा है, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 मैंने पूरा कवर कर रखा है आप लोगों का, और क्वेश्चन पेपर भी मैंने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको सारा प्रोवाइड करा दिया है। और क्वेश्चन पेपर अभी आपका 1 वीक से चल भी रहा है, कंटिन्यू पर डे आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप जैसा कि देख भी रहे हैं, हर एक प्रश्न के पीछे मैं बहुत सारे तथ्य भी बता रहा हूँ, और वो सभी तथ्य भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनवाया है, शॉर्ट नोट्स का आप सभी लोग, वो समय आ चुका है, उसका सहारा लीजिए। ठीक है, कल पेपर है, अपने समय पर पहुंच जाइएगा। अगर मैं बात करें रिपोर्टिंग जो और गेट क्लोजिंग का जो डेट रखा, टाइमिंग रखा गया, वो 2:30 रखा गया है ना, 2:30 शाम को। पेपर जो होगा आपको वो 3 से लेकर 6 के बीच में होगा, 3 घंटे का पेपर होगा आपके पास सामने। कुल टोटल 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, और किसी प्रश्नों पर आप टाइम व्यतीत ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, सोशल वर्क बहुत ही इजी पेपर आने वाला है, अप्लाइड भी प्रश्न रहेगा, फैक्ट भी प्रश्न रहेंगे आपके, है ना, सम्मिलित करने वाले भी प्रश्न रहेंगे, मैंने ये सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। ठीक है, आज मैं आप लोगों का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लगभग 100-150 से ज़्यादा प्रश्न मैं आज आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करने वाला हूँ, है ना। और याद रखिएगा, इसके अंतर्गत और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई खास इंपॉर्टेंट तथ्य अब नहीं है। डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी के बारे में बताया गया, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में, जो जो व्यक्ति डिसेबल है उनको लिए जो है 40% डिसेबिलिटी इंपॉर्टेंट माना गया, तो उसकी सर्टिफिकेट एक होती है, वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना होगा। ठीक है, ये देख लीजिए आपके सामने डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे नाम वगैरह लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, ठीक है, मदर्स का नाम लिखेंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ये चीज़ें एप्लीकेशन में आपको फिल करना होगा। ठीक है, ये क्या क्वालिटीज़ है इमेज का, क्या है फॉर्म अपलोड, फोटो वगैरह, जिस तरीके से अगर आपको मान लो फोटो नहीं आ रहा, सिग्नेचर आपका सही तरीके से नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये जो है फॉर्म ज़रूरी है। ठीक है, अप्लीकेशन आई डी हो गया आपका, गवर्नमेंट आई डी प्रूफ हो गया, आप क्या लेके जा रहे हो साथ में, वो चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, या आप इसको डाउनलोड करके आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम बात करें आप लोगों से, पेपर तो मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ें बता रखा है, सोशल वर्क में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कार्ड प्रश्न नहीं आते इसके ऊपर के आगे बढ़ जाइए। मैंने आपको बता दिया कि जितना भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं में से आएगा, उनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये तय है। ठीक है, मैंने कई बार सोशल वर्क में, आज से नहीं, सोशल वर्क के बारे में पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये बात तो अनुभव हो ही चुका है कि जो चीज़ें मैं आपको तथ्य के आधार पे या जो भी एप्लीकेशन के आधार पे बताता हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पेपर में देखने को मिलती है। मैंने जितना चीज़ें पढ़ाया है आप लोग को बता दूँ, वही साथ पेपर में देखने को हमें मिलेंगे, उसी के इर्द गिर्द मिलेंगे। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी जिससे आपको होपलेस होना पड़े। ठीक है, पॉजिटिव होकर प्रश्न को आप करिएगा सकारात्मक दृष्टि से, और सारे प्रश्न सरल होते हैं, जो प्रश्न आपको समझ नहीं आते 1 से 2 बार पढ़ेंगे वो प्रश्न ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेट कराएंगे ऑप्शन को भी, वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने ट्रिक बहुत सारे बताए हैं, उन ट्रिक का भी सहारा आप ले सकते हैं, उन ट्रिक के माध्यम से भी आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप जरूर पढ़िए, जो मैंने शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनवाए हैं। सोशल वर्क की जो एक क्लास स्टार्ट होने वाली है 24 तारीख से स्टार्ट होगी, हालांकि मैं शाम को 20 तारीख यानी कल 20 तारीख है,
कल मैं 8 बजे आपकी एक क्लास लूँगा 8 PM पर, और मैं आप लोगों से ही डिस्कस करूँगा कि मुझे अंत में बताइए कि भी आप सभी लोग कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसके मैं ऑप्शन को भी आप लोगों को बताऊँगा कि क्या सही जवाब होंगे, ठीक है ना। और कट ऑफ वगैरह आप इसका भी बिल्कुल रहें, कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी ये सब सोचने की जरूरत नहीं, आप सबसे अच्छा क्वेश्चन करने का प्रयास करके आएँ, सबसे बढ़िया प्रश्न जो है सबसे अच्छा पेपर करके आने का प्रयास करें आप सभी लोग, ठीक है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी को आते हैं, जैसे अभी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए इंग्लैंड में, तो सबको मालूम है 1869 है, तो इन प्रश्नों को आप काउंट ना करें कि बहुत प्रश्न बहुत ईजी आया बहुत सरल आया, ऐसे प्रश्न नहीं है। तीन टाइप के प्रश्न, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर, टेंट ईजी, तो तीन टाइप के प्रश्न जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न आपके इजी रहेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ माइल्ड लेवल के भी होंगे प्रश्न, मैंने बता भी रखा है पहले से आप लोगों को, है ना, विद्वानों के नाम बता रखे हैं, ट्रिक भी बता रखा है, सारी चीज़ें, है ना, तो वो आप लोगों का। अच्छा, अभी आज और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ क्लास में, उनके बारे में डिस्कशन होगी हमारी और आपके बीच में, ठीक है ना। और कोई भी क्वायरीज वगैरह आपको लग रहा है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है अगर आपको, तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके जो है उस कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है, ताकि आपको वो स्पष्टीकरण हो जाए, ठीक है। और निश्चिंत रहें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समय से पहले पहुंच जाएं आप सभी लोग सेंटर पे, और आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए वहां पर सेंटर पर, और बहुत बच्चों का सेंटर दूर है, समय पर पहुँच जाएंगे तो अच्छी बात है, और क्योंकि 2:30 बजे के बाद आप लोगों का जो है बंद हो जाएगा गेट, 2:30 बजे के बाद एंट्री आपको नहीं दी जाएगी, ये बात ध्यान रहे आप सभी लोगों को, ठीक है। अंदर जाके आप बैठिए, अपना जो बायोमेट्रिक होता है सारे एंट्री वगैरह बायोमेट्रिक करवाइए, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है सभी लोगों को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही हमने अभी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है, बीच बीच में मैं आज के जो है कई क्लासेस में लेने वाला हूँ सोशल वर्क पर, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा।